गुड्डा तैयार कर दिए, क्रेट शेड लगा दिए कबूतरों के लिए, वो ऊपर बैठने के लिए पट्टी भी, इधर फ्लेक्स लगा दिए क्योंकि उधर तोते हैं साथ, तो वो जाली को नुकसान ना पहुँचाएँ कबूतर, इसलिए इधर फ्लेक्स एक लगा दिए। इधर से वो नीचे चला जाया करेंगे, ये नीचे एरिए में कबूतर खाना खाने के लिए, और पीछे ये गुड्डा इनके क्रेट शेड लगा दिए हैं, वो नुक्कड़ में भी एक अपार्टमेंट बना दिए इनका। ये देखें, दो तीन सीधे और दो सेंटर में लगा दिए, दो ऊपर एक पट्टी भी लगाई है इनके बैठने के लिए, ताकि अंदर एक दूसरे को तंग ना करें, क्रेट के लिए लड़े ना, तो इनके ऊपर भी चढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम यार, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग शरीफ। तो बात ऐसे है कि यार, रात को जुलूस 3 से 4 बजे ख़त्म हुआ था। यार व्लॉग मेरी मजबूरी नहीं है, व्लॉग मैं इस रीज़न से कर रहा हूँ कि आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुँच सके। मेरे इर्द गिर्द की जो दुनिया है, जो मेरे इर्द गिर्द जो कुछ चल रहा है, वो मैं आपको दिखा सकूँ। व्लॉग करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। सो मौला गाज़ी अब्बास की कल शहादत, और एक शहादत थी और उनका अलम पाक बरामद हुआ था और जलूस था। सो उसके वो तकरीबन 3 बजे ख़त्म किया था, तो आज 7 मुहर्रम, और आज हमारे गांव में शहज़ादा अली असगर की शहादत पढ़ी जाएगी और उनका जलूस निकलेगा, जो रात को 11 से 12 बजे निकलेगा और सुबह तक चलता रहेगा जलूस, और सुबह तकरीबन 8-10 बजे के करीब ख़त्म होगा। तो शहज़ादा अली असगर मरबला में सबसे छोटे शहीद होने वाले, 6 माह उनकी उम्र थी, और इमाम हुसैन के बेटे शहज़ादा अली असगर, उनको लानती
मलोन हुरमला ने तीर मारकर, तीन नोकों वाला तीर मारकर शहीद किया। सो आज उनकी शहादत पढ़ी जाएगी हमारे मरकजी इमाम बारगाह में, और वहाँ से जुलूस निकलेगा और पूरे सुबह तक रहेगा, और आज़ादारी होगी, मातम होगा और हमेशा होता रहेगा। इसको कोई जुलूस को या कोई आज़ादारी को जिन्होंने ये किया था वो नहीं रोक सके, तो ना अब रुकेगा ना हमारे बाद रुकेगा, ता कयामत ये जुलूस ये आज़ादारी कायम व दायम रहेगी। और अल्लाह ताला निगरानी करे ऐसे ही आज़ादारों की। सो आपको अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ ना से।